हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस, जिस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, और साथ ही में हम यहाँ पर बात करेंगे कुछ ऐसे ओल्ड कॉइन्स के बारे में। और अभी इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल्स में बात करूँगा कुछ ऐसे ओल्ड कॉइन्स के बारे में जिनके अंदर अभी इस टाइम पर अगर आप एंट्री लेना चाहते हो तो फिर आप जरूर से एंट्री ले सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर यह सब चीज़ों के ऊपर पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करो, मेक श्योर अपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हो तो यह हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो टेलीग्राम चैनल को भी आप जरूर से ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी आपको सब इंपॉर्टेंट एंड लेटेस्ट अपडेट्स जो है तुरंत देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिटकॉइन के बारे में। तो अब इस टाइम पे अगर आप बिटकॉइन के प्राइस को देखो तो बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है 23,400 के आसपास। ठीक है, तो बिटकॉइन के लिए यहाँ पर अभी इस टाइम पे एक बहुत बढ़िया चीज़ यही है कि बिटकॉइन के प्राइस अगर नीचे भी आती है तो इन दैट केस हमें जो है बिटकॉइन के लिए यहाँ पर सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। और मैंने यहाँ पर आपको ऑलरेडी बोला था कि इस सपोर्ट को जब बिटकॉइन ब्रेक करेगा 22,400 और 23,000 के आसपास, तो उसके बाद जो है हम किसी भी ऑल्ट के अंदर एंट्री ले सकते हैं विथ स्टॉप लॉस। तो अभी इस टाइम पे देखोगे तो यहाँ पर बिटकॉइन के प्राइस के अंदर हमें अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला है। और अभी इस टाइम पे बिटकॉइन अगर प्राइस नीचे आती है बिटकॉइन का, तो बिटकॉइन के प्राइस यहां पर अपना सपोर्ट लेगा। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे आप क्या कर सकते हो कि कुछ ऐसे कॉइन्स है जो आप लॉन्ग टर्म के लिए बाई कर सकते हो। जैसे कि अभी इस टाइम के लिए फॉर नाउ मैं तो आपको उतना सजेस्ट नहीं करूंगा कि फ्यूचर में ट्रेड करने के लिए, लॉन्ग एंड शॉर्ट करने के लिए, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए 1 या 2 ईयर्स के लिए अभी इस टाइम पे किसी भी कॉइन को होल्ड करना चाहते हो, या फिर अभी इस टाइम पे आप ऐसे भी कर सकते हो कुछ ओल्ड कॉइन्स को यहाँ पर अभी इस टाइम पे स्पॉट में बाई करके आप जब भी आपको प्रॉफिट मिले तब आप यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, तो उन कॉइन्स के ऊपर मैं डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। उससे पहले अगर आप इस टाइम पे प्राइस को देखोगे तो प्राइस चल रहा है बिटकॉइन 23,468 के आसपास। ठीक है, तो यहां से बिटकॉइन के प्राइस के अंदर एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है इस जोन से, ये जो जोन है इस जोन के आसपास जो हमें बिटकॉइन के लिए एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर बिटकॉइन रेजिस्टेंस ले लेता है तो बिटकॉइन के प्राइस आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। प्राइस यहाँ पर अपना सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, और उसके बाद प्राइस एक साइडवेज कंडीशन के अंदर मूव करेगा, और उसके बाद प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अब इस टाइम पर बिटकॉइन के प्राइस को देखोगे तो प्राइस के साथ ही साथ प्राइस इंक्रीज हुआ, विद दैट हमें जो है वॉल्यूम के अंदर भी इंक्रीमेंट देखने को मिलाई थी। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम यहाँ से इंक्रीज ही हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखोगे तो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है एज कम्पेयर टू डिक्रीज। पहले जब बिटकॉइन के प्राइस इंक्रीज हो रहा था तब वॉल्यूम के अंदर हमें कोई भी इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिल रहा था, तो अभी इस टाइम पे देखोगे प्राइस ऊपर जा रहा है, विद दैट हमें वॉल्यूम के अंदर भी अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल रहा है, व्हिच इज अ बुलिश साइन, जिसके कारण हमें प्राइस के अंदर एक अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला और प्राइस ने इस जोन को जो है यहाँ पर इजिली ब्रेक कर दिया। तो अभी इस टाइम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि अभी इस टाइम पे आप एंट्री ले रहे हो तो फिर आप जो है यहाँ पर स्पॉट में एंट्री लो, और यहाँ पर ज्यादा बड़ी अमाउंट में एंट्री लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपको स्मॉल अमाउंट में एंट्री लेनी है। और बाकी मैं आपको स्पॉट के लिए ही रिकमेंड करूंगा फॉर नाउ, यहाँ पर फ्यूचर के लिए मैं आपको अभी इस टाइम के लिए थोड़ी देर बाद में जो है यहाँ पर आपको फ्यूचर के लिए कॉल प्रोवाइड करवा सकता हूँ, लेकिन फॉर नाउ आपको जो है स्पॉट में अपना एंट्री जरूर से बना लेनी है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारा जो सबसे पहला ऑल्ट कॉइन है उसके बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहला जो मेरा ऑल्ट कॉइन है उसका नाम है ICP। तो ICP के अगर आप प्राइस को देखोगे तो ICP का प्राइस जो है यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को अगर आप देखोगे तो इस ट्रेंड लाइन के आसपास जो है ICP के प्राइस के अंदर हमें सपोर्ट देखने को मिला है। लाइक हमें यहाँ पर ये जो जोन है यहाँ पर हमें एक बार सपोर्ट देखने को मिला, यहाँ पर भी हमें एक बार काइंड ऑफ सपोर्ट देखने को मिला, और यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स हमें सपोर्ट देखने को मिला है। तो अभी इस टाइम पर यहाँ से आप ये चीज़ कन्फर्मेशन ले सकते हो कि यहाँ पर एक बुलिश ट्रेंड के अंदर जो है ICP का प्राइस मूव कर सकता है। तो इसके लिए अभी इस टाइम पर आप बिटकॉइन के अकॉर्डिंग जो है ICP के अंदर एंट्री लेना चाह रहे हो तो एंट्री ले सकते हो। तो एंट्री लेने के लिए आपको यहाँ पर पार्ट्स में एंट्री लेना पड़ेगा। सबसे पहले अगर आप एंट्री लेना चाहोगे तो आपको ये जो ट्रेंड लाइन है इस ट्रेंड लाइन तक वेट करना पड़ेगा। अगर ICP इस ट्रेंड लाइन को सस्टेन नहीं कर पाता है, लेट्स सपोज कि ICP के प्राइस हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिला और ICP इस ट्रेंड लाइन को सस्टेन नहीं कर पाया, इन दैट केस आपको यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं लेनी। अगर यहाँ पर सस्टेन कर पाया तो आप यहाँ से जो है अपना एंट्री जरूर से बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो कन्फर्मेशन आपको चाहिए वो ये चाहिए कि अगर ICP के प्राइस इस जोन के आसपास, यहाँ पर 7.35 के आसपास अगर ICP के प्राइस रिटेस्ट करती है तो यहाँ पर आपको एक स्मॉल अमाउंट लगा के बैठ जानी, और यहाँ पर स्टॉप लॉस जस्ट बिलो दिस लाइन आपको 7.22 के आसपास जो है स्टॉप लॉस लगा देनी। और उसके बाद अगर प्राइस ऊपर जाती है तो काइंड ऑफ आपको जो है यहाँ पर 7.50 वाला जो जोन होगा इस जोन के आसपास जो है आप अपना यहाँ पर सेल करके निकाल सकते हो। ठीक है, अगर आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए फॉर लॉन्ग टर्म अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि 6.71, 6.73 या फिर 6.34 वाला जो जोन है, इन जोन के अकॉर्डिंग अगर आप एंट्री लेना चाहते हो फॉर लॉन्ग टर्म तो आप जरूर से अपना एंट्री बना सकते हो। ठीक है, तो RSI के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो RSI के अकॉर्डिंग ICP के प्राइस ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ पर डिपेंड करेगी बिटकॉइन के प्राइस के ऊपर। तो बिटकॉइन का जो नेक्स्ट मूवमेंट होगा उस मूवमेंट के अकॉर्डिंग ही आपको ICP के प्राइस के अंदर एक अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा। और मुझे अगर आप पूछोगे तो मैं काइंड ऑफ बुलिश हूँ ICP के प्राइस को लेकर, तो जितने भी लोग
स्पॉट में लेना चाहते हो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि एक्जैक्टली आप कौन से पॉइंट के ऊपर एंट्री ले सकते हो। उस पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर आपको एंट्री लेनी है तो फिर आप जरूर से अपना एंड से भी देख सकते हो, ठीक है। तो आई गेस आपको यहाँ पर आईसीपी के बारे में डिटेल्स में समझ में आ गया होगा। तो अभी बात कर लेते हैं यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट ऑल्ट कॉइन है उसके बारे में। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट ऑल्ट कॉइन है उसके बारे में। तो नेक्स्ट जो हमारा ऑल्ट कॉइन है उसका नाम है पोलकाडॉट। तो जितने भी लोग पहले से वीडियोज देखते होंगे तो उनको पता होगा कि पोलकाडॉट को परचेज करने के लिए पोलकाडॉट एंड सोलाना के अंदर मैंने यहाँ पर आप लोग को मल्टीपल टाइम्स बोला है कि अगर आप पोलकाडॉट एंड सोलाना को परचेज करना चाहते हो तो आप जरूर से परचेज कर सकते हो। लेकिन जितने भी लोगों ने पोलकाडॉट या फिर सोलाना को स्पॉट के अंदर हमारे कहने पर डिप में परचेज किया होगा, अभी इस टाइम पे उनका बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो रहा होगा, ठीक है। तो सोलाना के प्राइस को अगर आप देखोगे तो प्राइस अभी इस टाइम पे समवेयर 3000 के ऊपर जो हमें इस टाइम पे अभी इस टाइम पे सोलाना का प्राइस देखने को मिल रहा है और डॉट का प्राइस हमें 7.90 के आसपास देखने को मिल रहा है। डॉट के लिए मैं आपको यही बोलूंगा कि जब डॉट ऊपर भागेगा तब आपको जो है यहाँ पर डॉट का प्राइस $11-$12 के आसपास जो है इजीली देखने को मिलेगा। तो इसके लिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने ऑलरेडी डॉट कॉइन को के ऊपर एंट्री ले लिया है पर अगर 20 टाइम पे आप लॉस में हो तो इसमें आपको टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि आने वाले टाइम में डॉट कॉइन भी आपको बहुत अच्छा खासा रिटर्न बना के दे सकता है, क्योंकि इसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो इतना रिटर्न आपको बना के दे दे। तो पोलकाडॉट के लिए यहाँ पर सपोर्ट अगर आप देखोगे तो ये जो ट्रेंड लाइन है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर पोलकाडॉट यहाँ पर अपना मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट ले रहा है और यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद अगर आप देखोगे तो प्राइस के अंदर हमें कुछ इस तरीके से अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला है। तो अभी इस टाइम पर फिर से इस ट्रेंड लाइन के ऊपर पोलकाडॉट अपना सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा और यहाँ से प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा। अभी इस टाइम पर बिटकॉइन के प्राइस के अंदर जो भी हमें अप ट्रेंड देखने को मिला है उस अप ट्रेंड के कारण अभी इस टाइम पर बिटकॉइन के अंदर आपको एक रीटेस्ट भी देखने को मिल सकता है। तो उस रीटेस्ट के दौरान पोलकाडॉट के प्राइस भी हमें इस जोन के आसपास देखने को मिल सकता है। तो अगर आपने ऑलरेडी के अंदर एंट्री ले लिया है तो कोई बात नहीं, अभी इस टाइम पे आप होल्ड करो। बाकी अगर आप इस टाइम पे एंट्री लेना चाहते हो तो एंट्री लेने के लिए न्यू एंट्री के लिए मैं आपको ये जो जोन है इस जोन के अंदर जो है मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं कि यहां पर आप अपना बाइंग बना सकते हो जो कि होगा 7.49 के आसपास, ठीक है। तो 7.49 के आसपास अगर आपको पोलकाडॉट की प्राइस देखने को मिले तो यहां पर आप जरूर से अपना बाइंग बना सकते हो। या फिर जितने भी लोगों ने यहां पर बाइंग बनाई है $6 के आसपास, तो यहां पर भी हमने ऑलरेडी मल्टीपल टाइम्स डिस्कस भी करके रखा हुआ है कि एग्जैक्टली आपको पोलकाडॉट को क्यों बाय करनी है, कहां पर बाय करनी है। तो जितने भी लोगों ने उस टाइम पे बात सुनी, जितने भी लोगों ने अपना एंट्री बनाई, अभी इस टाइम पे उनका एक अच्छा सा प्रॉफिट भी हो रहा होगा। तो बाकी यहाँ पर जो एक चैनल के अंदर पोलकाडॉट अभी इस टाइम पे मूव कर रहा है उस चैनल से जो है यहाँ पर हमें प्राइस कुछ इस तरीके से जो है ज़िगज़ैग मूवमेंट में देखने को मिलेगा। अगर डाउन ट्रेंड ब्रेक हो जाती है तो हमें 7.08 के आसपास देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से इतना नीचे तो नहीं आना चाहिए, लेकिन आपको ये जो जोन है 7.69 के आसपास, इस जोन के आसपास जो है आपको इजिली पोलकाडॉट के प्राइस देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आई गेस आपको यहाँ पर वीडियो के अंदर डिटेल्स में सब कुछ चीज़ें समझ में आ गई होगी। बाकी कोई भी चीज़ों के ऊपर कोई भी आपका यहाँ पर कन्फ्यूजन है किसी भी चीज़ को लेकर तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।